जय श्री गणेश जी दोस्तों, मेरा नाम है आचार्य संध्या सक्सेना। मैं माँ लक्ष्मी ज्योतिष और आध्यात्मिक चैनल से हूँ। और आज हम आपको जो अपना प्रेडिक्शन देने आए हैं वो मेष राशि के देने आए हैं। मेष राशि वालों, आपका कैसा रहेगा दिन समय अगले 7 दिनों के लिए, उसके लिए मैं आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको चैनल पर दी हुई जानकारी अच्छी लगती है तो शेयर करने के साथ साथ आपको कोई मन में सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं और हम जितना भी इसके बारे में आपको बता सकते हैं हम आपको ज़रूर बताएंगे, आपके सवालों के आंसर देंगे। लेकिन प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा क्योंकि मैं कॉल नहीं उठा पाती हूँ, टाइम की बहुत दिक्कत रहती है। तो आज हम बात करेंगे मेष राशि वालों की, कैसा रहेगा आपका दिन, आपका स्वास्थ्य, धन संपत्ति, परिवार, प्रेम, व्यवसाय और वैवाहिक जीवन। बात करेंगे सेहत की, तो सेहत आपकी अच्छी रहेगी। सेहत अच्छी रहेगी इसलिए आपको सफलता मिलेगी, आत्मविश्वास भी आपका बढ़ा रहेगा, खुशी रहेगी। और कहते ही हैं कि स्वस्थ जीवन संसार का माध्यम रहता है, कि अगर आप स्वस्थ हैं तो आप आधा से ज़्यादा जंग आप ऐसे ही जीत लेते हैं, तो आप स्वस्थ रहेंगे। धन संपत्ति के बारे में कहूँगी कि आप फालतू की चीज़ों में अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें, फालतू की चीज़ों में भागीदारी ना करें, ना पैसा लगाएं, ना इन्वेस्टमेंट करें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। परिवार के मामले में कहूँगी कि आपको हो सकता है कि कोई उत्तरदायित्व मिले परिवार की तरफ से, आपको कहा जाए कि आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, उससे आप थोड़ा चिढ़ जाएं या आपको उलझन सी महसूस हो या आपको तनाव सा महसूस हो और आप उस चीज़ को लेना नहीं चाहते हैं अपने सर पे, तो इसलिए थोड़ा सा परिवार में आपकी नोकझोंक हो सकती है, इससे आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव या दबाव बन सकता है। प्रेम के मामले में कहूँगी कि आपका जिससे भी प्रेम संबंध है उसके साथ आपका रिलेशन वैसे तो आपका अच्छा रहेगा, लेकिन हो सकता है कि आप अपने लवमेट से किसी बात पे झगड़ा हो जाए या आपको अपने लवमेट की बहुत याद आए क्योंकि आप उसको मिस करें, उसके साथ आपका मिलना जुलना पॉसिबल ना हो पाए, तो इससे आपको दिक्कत हो सकती है। कामकाज के मोर्चे में कहूँगी कि आपको कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है और दूसरों को कुछ भी ना बताएं, यानी कि आप कोई भी काम करते हैं, कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ भी नया काम करते हैं तो दूसरों को इसके बारे में बताएं ना, बताने से आपको नुकसान होता है। पहले आप काम कर लीजिए उसके बाद आपका ढिंढोरा पिटेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पहले आप कुछ भी करेंगे तो हाय हाय हो जाएगी और काम आपका बनेगा भी नहीं। वैवाहिक जीवन के मामले में बोलूँगी कि वैवाहिक जीवन आपका ठीक ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं, बहुत ज़्यादा शाम बुरा भी नहीं, सो रहेगा। आपका जो भी लवमेट है उससे थोड़ा सा आपकी गलतफहमी हो सकती है जिस वजह से आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी, लेकिन शाम आते आते सब कुछ अच्छा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो ये तो था आपका स्वास्थ्य, धन संपत्ति, परिवार, प्रेम, व्यवसाय और वैवाहिक जीवन के बारे में प्रेडिक्शन। अब मैं आपको जो बोलाऊंगी कि क्या कर सकते हैं अगर आपके लाइफ में कोई दिक्कत आ रही है, तो आपके जो भी बड़े या भाई बहन हैं जो भी हैं उनका आप सम्मान कीजिएगा, उनकी बातें मानिएगा। और एक और बात बता रही कि भाई बहन का संबंध हमारे मंगल से होता है, जब भी आपके भाई बहनों से लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, कोई भी विवाद होता है तो उसका सीधा कोलैबोरेशन जो होता है वो जुड़ जाता है मंगल से, यानी हनुमान जी से। तो आपको चाहिए कि हनुमान जी की सेवा पूजा कीजिए, इससे आपकी स्थिति में सुधार होगा और आपका दिन भी अच्छा रहेगा। उम्मीद है कि आपको राशिफल अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और समस्या हो तो व्हाट्सअप कीजिएगा। थैंक यू।